खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल टीचर्स अवार्ड मिलने जा रही है। हालांकि चेहरा देखकर आप पहचान भी जाएंगे, इनका एक्टिविटी आप पहले से भी सोशल मीडिया में देखते ही होंगे, काफ़ी एक्टिव है, शिक्षा के मामले में बेहतर कार्य कर रही है, जिसको लेकर के इस बार जो है राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चयनित हुई है। हम बात कर रहे हैं कुमारी गुड्डी की। तो आज हमारे साथ खास बातचीत में जो है कुमारी गुड्डी जी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है और जिसको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिलने जा रही है। तो आपको ये उपलब्धि के लिए बहुत बहुत हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगंज जिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी फिसड्डी रहा है, ऐसे में फिर इस जिले में आप जैसे शिक्षक उभर के आती है और उसके बाद जो है बच्चों को बेहतर पठन पाठन में आप लोग अपना योगदान देती हैं और तब जा करके जो है इतने सारे जो है अवार्ड आप लोग प्राप्त करती हैं। जी, तो आपको इस जिले की शिक्षा के बारे में क्या कुछ नॉलेज है और इस जिले में जो शिक्षा की स्थिति है उसमें कैसे सुधार आ सकती है? बिल्कुल, मैं तो यही बताऊंगी कि आज आप मेरे विद्यालय आते तो मेरे बच्चों के चेहरे की खुशी देखते। वो उन्होंने जब से सुना है इस अवार्ड के बारे में, बच्चे मेरे काफ़ी खुश हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की बात जो आपने कही कि किशनगंज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, तो हाँ, मैं इस बात को पूरी तरह से तो नहीं मानूंगी। हाँ, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब दिनों दिन ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जिस तरह से 26 वर्षों से मैं जुड़ी हुई हूँ शिक्षा से, और मैंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो अभी डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने हुए हैं, और मैं हाई स्कूल सिंघिया में 10 वर्षों से हूँ, और यहाँ जब जाते साथ मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं, तो मुझे लगा इन प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किस प्रकार से आगे आए इस पर मुझे सोचना चाहिए। तो उस वक्त मैं प्राइवेट स्कूल से ही यहाँ आई, तो मुझे लगा कि प्राइवेट स्कूल में इतने कम वेतन में टीचर अच्छा से पढ़ा रहे हैं, और सरकारी स्कूल में सरकार हमें सब कुछ दे रही है, फिर भी हम अपने जो जॉब है उसके प्रति वफादार नहीं होते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए हमें करना चाहिए। अगर 10 बच्चा भी मेरे कारण बन जाता है तो वही मेरी उपलब्धि होगी। आप पिछले 2.5 दशक से इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपको देखते हुए हैं कि काफ़ी एक्टिव भी दिखती है। हाँ। और आपकी मेहनत को जो है आज राष्ट्रपति के हाथों जो है पुरस्कार मिलने जा रही है, कितने उत्साहित हैं? बहुत बहुत उत्साहित है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिलना, ये तो हर शिक्षक का स्वप्न होगा जो भी कार्य करते हैं, और मेरा यह स्वप्न पूरा हो रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और मैं तो जो गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, मतलब किशनगंज जिला और पूरा बिहार और मेरे परिवार के लोगों में इतना उत्साह है कि मुझे लग रहा है कि हाँ, ये कार्य जो हो रहा है और जो मैं कर रही हूँ, यह कहीं ना कहीं कुछ मायने रखता है। अगर बात करें आपके नेशनल टीचर्स अवार्ड की, तो किन किन बातों के जरिए जो है आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्या क्या कामें रही हैं? हाँ, मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है मेरे गतिविधि आधारित शिक्षण के कारण मिला है। मैं अपने विद्यालय में, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश से ऐसे ही थोड़ा सा डरे रहते हैं कि है ना, इंग्लिश है, टफ है, अपनी भाषा नहीं है, तो मैंने गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा इंग्लिश को स्कूल में अपना अप्लाई किया हुआ है, और ये इतना चर्चित हुआ है कि समुदाय जो है मेरा, वहाँ का जो समाज है, वहाँ के लोग आके मेरी कक्षा के पीछे बैठते हैं और मेरे सारे एक्टिविटीज़ को देखते हैं कि किस तरह से मैडम पढ़ाती है। कभी आप सिंघिया चले जाइए तो आपको वहाँ पता चलेगा कि किस तरह से जो है ना, मतलब पूरा गतिविधि आधारित शिक्षण का जो है वहाँ क्लासेस चल रहा है। दूसरा है मेरा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम। जब मैं 2019 में मास्टर ट्रेनर बनी इसकी, तो मुझे लगा, मैं खुद झिझकती थी इस चीज़ को बोलने के लिए, मैं भी एक औरत हूँ तो मुझे बोलने में हिचक होती थी। तो जब से इस ट्रेनिंग को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर मैं विद्यालय में आकर उस झिझक को, जो बच्चियाँ अनुपस्थित हो जाती थी विद्यालय से बीच से, तो मैंने उस झिझक को तोड़ा, उनकी चुप्पी को तोड़ा। और मैं बहुत प्राउडली कहूँगी, केवल लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी मेरे विद्यालय के खुलकर इस पर बात करते हैं, और सभी मिलकर इसमें जो सुपरस्टिशन जुड़ा हुआ है उसको उन्होंने तोड़ा है, और सैनिटरी पैड मशीन लगवाया है मैंने स्कूल में, बहुत कुछ किया है इस विषय पर, तो बच्चियाँ इससे बहुत लाभ ले रही हैं। अब उनके अंदर कोई हिचक नहीं है, जब भी होता है तो आके लेती हैं, अपने से लेती है, लेकर जाती हैं, और पूरा एकदम अच्छा है, सहज है। चलिए, चलते चलते अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपकी शौकीन और आपकी इस उपलब्धि को लेकर के आपके फैमिली के लोग क्या कुछ सोचते हैं और आप क्या शौक रखते हैं?
देखिए, मुझे आगे बढ़ाने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो मेरा मैं यहाँ की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो मेरे मायके वाले का भी बहुत हाथ है। मेरे पिताजी जो अभी नहीं है, मतलब उनकी आत्मा बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि उनको पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा लगन था। और मेरे बड़े भाई, भाभी, छोटी बहन, मेरी नंदे, जो भी मेरे परिवार के हैं, सभी मुझे सपोर्ट करने में, मुझे आगे बढ़ाने में बहुत साथ रहा है। मैं हमेशा ट्रेनिंग वगैरह में चली जाती हूँ, मेरे पति का पूरा सहयोग रहता है, वो हमेशा मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कभी भी उन्होंने मुझे ऑब्स्टेकल नहीं किया कि नहीं इसमें यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा आगे बढ़ती रही और अपने कार्य को अंजाम देती रही। अब पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई पढ़ाई हुई और कहाँ तक खत्म हुई, आगे का क्या टारगेट है? मेरी पढ़ाई जो है, मैं डबल MA हूँ, MA इन एजुकेशन एंड MA इन इंग्लिश, ये दो। और मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं PhD के लिए अब कर रही हूँ, तो मेरी पढ़ाई का अभी तक अंत नहीं हुआ है। पढ़ ही रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, और आगे भी बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना कि हमारे किशनगंज में इतनी प्रतिभाएं हैं, लेकिन मेडिकल के लिए या IIT के लिए या किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए बच्चों को बाहर भागना पड़ता है। तो हमारे किशनगंज में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम जरा सा भी प्रयास करें तो हमारे किशनगंज में भी ये सब सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है, क्यों नहीं हम यहाँ उस चीज़ को करें कि बच्चे यहीं रह के अपने मतलब पढ़ाई से जुड़े या कम्पीट करें। देखते भी हैं, IAS ऑफिसर हो या कुछ भी हो, यहाँ से सभी निकलते हैं। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए, और मैं अब इस क्षेत्र में प्रयासरत रहूँगी कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो। अच्छा, आगे की टारगेट आपकी? बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ कुमारी गुड्डी, जिनको राष्ट्रपति के हाथों जो है अवार्ड मिलने जा रही है बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के एवज़ में। तो हाल ही में हमारे किशनगंज से एक और महिला, जिनको PM मोदी ने न्योता दिया था, जो एक मनरेगा मजदूर थी, उसके बाद जो है एक शिक्षिका का नाम, तो कहीं ना कहीं जिले के लिए काफ़ी गौरवान्वित वाली बात है। और हम लोग ये हमेशा, हमारे लिए भी काफ़ी गौरव फील वाली बात है कि हमारे जिले की महिला इस तरह से जो है चयनित होकर के गांव देहात का नाम रोशन कर रही है।